हार्ड कार्ड के जनाब N55 बनाई जा रही है, ज़बरदस्त रोड कंस्ट्रक्शन N55 जो है वो चल रही है मुसलसल मुख्तलिफ जगहों पर। अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। सेवन का इरादा किया, सेवन शरीफ चलते हैं और चलते हैं सीधा हैदराबाद जामशोरो से होते हुए सेवन और वो तमाम इलाके एक्सप्लोर करते हैं। तो जनाब सेवन जाते हुए हम पहुँचे कोठरी के पास, लुमनी कोट पता नहीं आ रहा है कुछ, इधर से आगे एक इंटरचेंज है गालिबन, इशारा तो यही आ रहा है। ये देखिए हैदराबाद सीधा है और ऐसे कोठरी चले जाएं घूम घाम के, लुमनी कोट टाउन ये बोर्ड देख सकते हैं आप। ये जी हैदराबाद का टोल प्लाजा आ गया, इसको क्रॉस करके लेफ्ट साइड से जामशोरो की तरफ से चलते हुए सीधा सेवन इंशाल्लाह। टोल प्लाजा क्रॉस किया जी, अब थोड़ा आगे जाके मुड़ चलते हैं सीधा हैदराबाद और इधर से हम जामशोरो जा रहे हैं। ये सिंध यूनिवर्सिटी N55 पे हम जा रहे हैं सीधा सेवन की तरफ, सामने जामशोरो छोटा सा सिटी है, सेवन सीधा और हैदराबाद सिटी है। आप ऊपर से घूम जाए इस ब्रिज से और लम्स लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो। चलो ये भी दिखा दी हमने आपको, जामशोरो से आगे निकल गए जनाब और N55 पे जा रहे हैं सेवन की तरफ। 116 किलोमीटर सेवन यहाँ से। पिटारो के एरिया से गुजर रहे हैं हम लोग मेरे ख्याल, पिटारो टोल प्लाजा आ गया जनाब, पिटारो क्रॉस करेंगे, पिटारो में शायद दाखिल होंगे जो कि पिटारो टोल प्लाजा। टोल प्लाजा क्रॉस्ड, कुछ पहाड़ी वाड़ी लगता है। खानोट पहुंच गए जी हम, खानोट स्कूल है। ये खानोट एक गांव है, सेवन रह गया कोई 90 किलोमीटर या 92 किलोमीटर। खूबसूरत रोड है जी, पहाड़ों के बीच में से जा रहा हूँ मैं, ब्यूटीफुल। सेवन की तरफ फर्स्ट टाइम जाते हुए गुजर गया जी, खासाई एक और छोटा गांव, खासाई को क्रॉस कर रहा हूँ। 782 किलोमीटर
रेल की पटरी जा रही है जिसके नीचे से हम क्रॉस कर रहे हैं इसको, ये रेल की लाइन नीचे जा रही है। हैदराबाद से मेरे में गाड़ियां निकलती हूँ इधर सेवन लाड़काना जाने के लिए शिकारपुर और 781 किलोमीटर ये पटरी, हाँ वो पटरी नीचे जा रही है। पानी खड़ा हुआ है पता नहीं कहाँ का है, वही बारिशों का पानी, दोनों तरफ पानी है, बीच में से गुजर रहा हूँ पानी पानी। हाँ वो तो इधर तो आते हैं ना इसके ऊपर पानी के, ये तो पानी से भरा हुआ है भाई फुल। खाजी अहमद बाईपास के पास पहुँचे बड़े इधर तो सरिये निकले, ये इस तरफ जनाब ब्रिज है दरिया सिंह सासत, यहाँ से आप जो है ऊपर घूम के चले जाएं तो आप काजी अहमद की तरफ चले जाएंगे। देखिए काजी अहमद बेनजीराबाद इधर से ऊपर चढ़ के सेवन दादू लाड़काना सीधा, तो यहाँ से हम ब्रिज के नीचे सीधा चले जाएंगे, नहीं तो राउंड लेके घूम के आप उधर चले जाएं तो ये काजी अहमद की तरफ आप इस तरफ जा सकते हैं दरिया सिंध को क्रॉस करते हुए। सेवन 39 किलोमीटर रह गया दादू 84 84, और ये है ओमरी। आप ज़्यादा जोर था डबल ए आमरी है कोई छोटा सा कस्बा, ट्रैफिक बहुत है सिंगल रोड है एहतियात लाजिम। ये भरे जा रहे बड़ी सी नहर आ रही है देख रहे हैं आप, ये नहर है दरिया से निकल रही होगी यकीनी तौर पे, वो पटरी जा रही है। सेवन 36 किलोमीटर ये ऊंचा बना हुआ है और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि ये बारिशों और सैलाब में बच गया होगा। पटरी इसके गांव के बीच में से गुजर रही है, वह अभी बस देखें आप उनको साथ से गुजरनी है। सेवन रह गया 20 किलोमीटर और ये आ गया जनाब इस सिटी का नाम आ गया लकी शाह सदर आ गए जी हम। सीधे चलें सीधा जाएंगे जी बिल्कुल सीधा जाएंगे। वो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जनाब, एक छोटा और एक उसके पीछे ऊंचा पहाड़ हल्का हल्का नज़र आ रहा है। ये पहाड़ी सिलसिले के पास पहुंच गए हैं। रोड कंस्ट्रक्शन N55 जो है वो चल रही है मुसलसल मुख्तलिफ जगहों पर। सिंध गवर्नमेंट तो
तो निकल जा भाई, तो बड़ा है, निकल जा अब, निकल जा निकल जा। तू बड़ा आदमी है भाई, साड़ी खैर है। ये पत्थर ले रहा हूँ, ये दे, ये बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा खड़ा है जी, इसके साथ से गुजर रहे हैं और इसमें दरारें पड़ी हुई हैं। ये देखें, जानवर नहीं आते, जानवर ने काम पूरा कर दिया भाई, बड़ा अच्छा भी हुआ। यहाँ पे आ गए, रुके हैं ऊंचे पहाड़ के पास, ये रेल की पटरी जा रही है, ये बिल्कुल गुलाई में सीधा पहाड़ जा रहा है, 7 जो है यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर। तो आइए जी चलते हैं, मुनव्वर भाई साथ हैं हमारे, खंडरात में आ गए जनाब हम। ओह गाड़ी नीचे, खूबसूरत वादी नजर आ रही नीचे, देखें आप। ओहो क्या बात है जनाब, खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं आपको। ओहो ब्यूटीफुल, ये हम पहुंचे पटरी पे, रेल की पटरी घूम रही है, सामने दरिया सिंध, ब्यूटीफुल सर नज़ारा देखें आप। ये घूमती हुई जा रही है पहाड़ों के बीच में से, इस कोई एक कमरा चेक करते हैं भाई, सारे पहाड़ यहाँ पे फटे पड़े हैं बिल्कुल। ओह मोहनजो दड़ो के आसार हैं लगता है, ये एक एक करके कमरा, पता नहीं किस जमाने में ये बनाया होगा किसी ने, कितना मुश्किल से, कितना मुश्किल है, वाह। सीमेंट नहीं है वो, मिट्टी है, गारा गारा मिट्टी के साथ जोड़े जाते हैं ये बड़ा पहाड़। आ जाओ दौड़ के अब साइड में आ जाए मेरे सामने, इधर ना, इधर जरा चलने में आसानी हो जाएगी, ये आ जाए, बड़ा कटिंग है इसको, निकला बीच में से। ओ सामने दरिया से ना, इंडस रिवर। तो जनाब इस पहाड़ी के ऊपर से हम हो गए आ गए, ये जी ट्रेन की पटरी बहुत हाइट पे,
ट्रेन हमें नहीं मिली। सेवन यहाँ से देख रहे हैं, मैं कह रहा था 10 किलोमीटर रह गया, दादू 55 चलते रहिए हमारे साथ, 7 पहुँचते हैं और आपसे वहाँ पे मिलते हैं। जी 7 शरीफ पहुँचे, ये कुछ ब्रिज है, ये दरिया सिंध से इधर कोई नहर वहर निकल रही है, शहर में दाखिल हो गए जी हम यहाँ से। लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे चलते हैं 7 शरीफ में और आपको दिखा देते हैं थोड़ा बहुत। गाड़ी पार्किंग दरगाह जो जो सर पार्किंग ये चौक है लगा लें इधर, चौक पे पहुँचे जी। पात्रा है जी मज़ार हजरत लाल शहबाज कलंदर का, कलंदर लाल शहबाज कलंदर, चलिए आपको दिखाते हैं सारा। हजरत उस्मान बंदी कलंदर लाल शहबाज इनका पूरा नाम। ये कुछ लिखा हुआ है जनाब लेकिन मिट गया, संगे बुनियाद। दो से 3 मंजिला बनाया गया,